नमस्ते मेरे दोस्तों, क्या हाल खबर। मैं हूं वशांत सिंह और आप लोग का वेलकम मेरे चैनल। कुछ भी क्यूरी, कुछ भी क्वेश्चंस, कुछ भी चीजें रहेंगी, यहां दिखता है, कहीं भी दिखता है, पिंग कर सकते हो। इंस्टाग्राम इन्फॉर्मेशन दे रखा है, फॉलो कर सकते हो। आई एम नॉट प्रमोटिंग इंस्टाग्राम, आई एम प्रमोटिंग दैट एक सोशल साइट जहाँ मैं मोस्टली यूज़ हो रहा हूँ, जहाँ बात हो सकती है पर्सनली। अगर आप पर्सनल करना है, कमेंट सेक्शन तो ऑलमोस्ट ओपन रहता है। मेरे को रिक्वेस्ट बहुत टाइम से इस वीडियो में भी आ रहा था कि द न्यूज़ रिपोर्टर। चलो आज मैं बता रहा हूँ, मैं न्यूज़ रिपोर्टर में आ चुका हूँ। आई एम नॉट गोइंग इन टू पर्सनल देश की चीज़ों में और पर्सनल टॉपिक पर, बट हाँ रिक्वेस्ट आ रहा था कि द न्यूज़ रिपोर्टर रवि लमी चाने उनका वीडियो रिएक्ट कीजिए। और लेटेस्ट वीडियो मुझे एक थोड़ा पंगो वाला टाइप लग रहा था, बट स्टिल पंगा है, देखते हैं अंदर क्या है उसके। इसमें लिखा है नेपाली पत्रकार हिला दिया। मैंने कैसी हिंदी पढ़ ली। और जो थंबनेल है उसमें लिखा है नेपाली मीडिया वर्सेस भारतीय मीडिया, रवि लमचा सबसे बेहतर। देखिए सुधीर चौधरी की हो रही क्या, बीच में वो ना टाइमिंग आ गया, जो भी है। तो हम ये वीडियो देखेंगे, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स लाइक अ वी कैन से इट ना, मतलब ठीक है जिसको एक मिनट, जिन जिनको लगता होगा इट्स अ सीरियस मैटर, यस दैट वो बी अ सीरियस मैटर बिकॉज इट्स अ न्यूज़ और क्या देश में क्या चल रहा है, क्या बात हो गई है। बट हम इसको एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के हिसाब से लेते हुए जाएंगे, क्योंकि मैं वीडियो इसीलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि रिक्वेस्ट था, और इसमें कोई पर्सनल टॉपिक पे रिलेटेड बात मैं नहीं करना चाहूँगा, बट मैं देखना जरूर चाहूँगा कि ऐसा क्या है कि वर्सेस में ला दिया इसको। और रवि लमीछा ने का मैं फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा हूँ, मतलब मेरे को न्यूज़ नहीं पता इनका। मुझे ये बता दिया था कि इट्स ही इज़ अ न्यूज़ रिपोर्टर एंड वेरी पॉपुलर। तो या तो देख लेते हैं कि क्या डिफरेंट, क्या खासियत है भैया इस इन मीडिया रिपोर्टर पर। और मैं ये भी सोच रहा हूँ कि सुधीर चौधरी क्यों फंसे इसमें। भैया मैं आई एम नॉट अ न्यूज़ रिपोर्टर और मैं किसी न्यूज़ रिपोर्टर का सपोर्ट लेके बात नहीं कर रहा हूँ, बट यस मैं सिर्फ वीडियो देखने जा रहा हूँ। ओके तो मुझे तो कुछ बोलना मत यार, देख रहा हूँ ना, मेरे को भी तो पता चलना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली वीडियो में। हाँ मुझे कमेंट भी आया था एक और कि ग्रीन बैकग्राउंड यूज़ कीजिए। भैया घर में रहता हूँ मैं, मेरा कोई स्टूडियो नहीं है, घर में रहता हूँ। आई एम नॉट दैट अर्निंग पर्सन, मैं घर के हिसाब से रिएक्ट करता हूँ। मैं एकदम नॉर्मल बंदा हूँ यार, नॉर्मली रिएक्ट करता हूँ, नॉर्मली मेरे को सिर्फ मैं समझने के लिए देख रहा हूँ। मैं उसको अपने घर को कितना सजाऊँ यार, क्या सजाऊँगा बताओ आप। मैं क्या चेंजेस लाऊं, क्या लगाऊं पीछे, ग्रीन इफेक्ट लगा के मैं क्या एक्सपेक्ट करूं, क्या क्या लगाऊं बताओ। हाँ वो लेना चाहते हैं, मैं ले लेता हूं, पर लेके क्या होगा मेरे लिए, प्रॉफिट बनेगा क्या, कुछ नहीं। आप लोग जो देख रहे हैं वो भैया जीनियर, मैं दिखा देख रहा हूं, मुझे से देखना है। अब एक पर्दा पसंद नहीं आया तो मैं ठीक है कलर वाले पर्दे ले आऊँगा, ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, और मैं इसको फोल्ड करके रखता हूँ जब भी। अब ऑब्वियस बात है अंदर के तरफ बैकग्राउंड है, अंदर बेडरूम है, अंदर मेरे कुछ पर्सनल चीज़ें होंगी वो दिख जाएगी, तो इसीलिए पर्दा लग जाता है। एंड मैं फोल्ड करके रखता हूँ, इसमें रिंकल्स आ रखे हैं देखो, है ना, मैं फोल्ड करके रख देता हूँ बिकॉज आई हैव अ पैड, यू ऑल पीपल नो आई हैव मोर देन 4 पैड्स, और उनको मेंटेन रखने के लिए आपको पता ही होगा कैसा रखना पड़ता है, जिनके पास पैड है उनको पता होगा। तो या बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू चेंज माई बैकग्राउंड, चेंज माई इंटरेस्ट, आई विल मेक अ बेस्ट स्टूडियो, बट आई बिलीव कि वन डे आई विल बी इन योर कॉलीवुड इंडस्ट्री और समवेयर वेल आई कैन अर्न लॉट्स ऑफ वेल्थ, और मैं अच्छा पॉपुलर सेलिब्रिटी बनूँ ताकि मैं इन्वेस्ट करूँ और मैं आप लोग के साथ अच्छे से जैसा आप चाहते हो वैसा बन के आऊँ, है ना। तो अब देखते हैं, काफ़ी लंबा बोल गया। 1, 2 एंड
नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल कमाल यार में। और इस वक्त की यहाँ पे बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि जी न्यूज के जर्नलिस्ट सुधीर चौधरी की यहाँ पे थू-थू हो रही है। क्यों हो रही है, किस बात के लिए हो रही है और क्या ऐसा हो गया कि इतनी बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। हर कोई यही कह रहा है कि सुधीर चौधरी ऐसा ही था या ऐसा वैसा क्यों कह रहे हैं, तो पूरी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सुधीर चौधरी गए थे यहाँ पे नेपाल में केपी शर्मा ओली का इंटरव्यू लेने के लिए, और इंटरव्यू में उन्होंने कई प्रकार के सवाल पूछे जिनका जवाब पाने के बाद यहाँ पे सुधीर चौधरी को गड़बड़ी तो तभी से महसूस होने लग गई थी। लेकिन उसके बाद वो यहाँ पे यात्रा करने गए माउंट एवरेस्ट की, और माउंट एवरेस्ट की पूर्ण यात्रा करने के बाद उन्होंने एक डिसीजन लिया। उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट न रखकर उसका नाम होना चाहिए था माउंट शिखर। जी हाँ दोस्तों, यही यहाँ पे सवाल उनके चरित्र तक बवाल मचा गया। कैसे मचा गया उसकी भी हम बात करेंगे। जब उन्होंने कहा कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट शिखर रख देना चाहिए, तो इस बात को लेकर और उन्होंने पूर्व में पूछे जो सवाल थे उनको लेकर यहाँ पे जो नेपाल के एक जर्नलिस्ट हैं, काफी विख्यात जर्नलिस्ट हैं रवि लामछा, उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू करने लेने का सोचा सुधीर चौधरी का, जो कि जी न्यूज के जर्नलिस्ट हैं। उन दोनों के बीच ये बात हुई, लेकिन मैं वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से उनकी बात हुई। तो चलिए पहले उनकी बातें ही सुन लेते हैं। So you want to do video or you want to do audio? Video is better if you want to do a video. I have a show that is live. It's tonight. Okay. If I can have you on a video call, that would okay, be great. Okay, Lamchaya ji ne call kiya tha Sudhir ji ko. It's live calling ke liye. Not I can do. So let's do one thing, Ravi. Yeah. So let's do one thing. Right now I'm having lunch. Okay. Let me reach office and can you call me say after 2 hours? Yeah, I can do that. And then we'll do it. That's fine. Huh? After 2 hours. Yeah. So after 2 hours. Yeah. Okay. All right. Fine. Okay. All right. Yeah. All right. Bye. Okay. This is my number. Okay. Ravi, one more thing. Yeah. Can you just send me the questions you want to ask? Question, what's happening? Are you serious? Because you're a journalist and you're asking a journalist to send a question before having an interview? That's no, but then, but then I'll be, you know, I'll mentally be prepared for those kind of things. It's based on whatever you say. It's based on your recent interview with the Prime Minister and your recent program, and, you know, it's all right. The recent issue that is going on, your statement. Your campaign, your interview, your program. तो अधिकतर बातें तो आप समझ ही चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे सुधीर चौधरी की थू-थू हुई है। जब रवि लामछा ने कहा कि मैं आपका इंटरव्यू लेना चाहता हूँ सुधीर चौधरी से, कि आपने माउंट एवरेस्ट को माउंट शिखर कहने के पीछे क्या रहस्य छुपे हुए हैं वो बताने के लिए, तो सुधीर चौधरी ने कहा कि मैं अभी ब्रेकफास्ट पे हूँ तो मैं अभी यहाँ पे इंटरव्यू नहीं कर सकता आपके साथ, लेकिन मैं आपके साथ इंटरव्यू करूंगा, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सवाल भेज दीजिए जो आपको पूछना है उसकी मैं प्रिपरेशन करूंगा। और उसी के जवाब में रवि लामछा का यहाँ पे जवाब आया कि क्या आप सच में यही कह रहे हैं, क्या आप सच में एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिस्ट वो होता है जिसके सामने पहले से सवाल नहीं रखे जाते। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये कहा कि जर्नलिस्ट खुद में खुद उसी टाइम सिचुएशन के हिसाब से सवालों के जवाब देता है, न कि पहले यहाँ पे दिए हुए सवालों को प्रिपेयर्ड करके सवालों के जवाब देता है। और यही बात यहाँ पे लोगों को अच्छी नहीं लगी कि इस प्रकार से एक जर्नलिस्ट होते हुए भी सुधीर चौधरी ने उनसे जवाब क्यों नहीं मांगे, जवाब यानी कि सवाल क्यों मांगे। और सवालों को लेकर यहाँ पे रवि लामछा को तो बुरा लगा ही, इसके अलावा यहाँ पे नेपाल और भारत की भी काफी हद तक जनता को बुरा लगा कि इस प्रकार से इतने बड़े जर्नलिस्ट इस प्रकार से सवाल कैसे मांग सकते हैं। तो इससे यहाँ पे ये भी संदेह उत्पन्न होने लगा कि जब वो केपी शर्मा ओली का इंटरव्यू लेने गए थे तभी भी जो सवाल थे वो पहले से ही डिसाइड थे और उनमें भी प्रिपरेशन हो रखी थी। लेकिन उसमें कुछ भी हो दोस्तों, जब यहाँ पे सवालों के जवाब मिल रहे थे, केपी शर्मा ओली थे तो वो धड़ाम धड़ाम से और बढ़िया से बढ़िया जवाब मिल रहे थे, तो उसको अब नजरअंदाज कर दिया गया। और रवि लामछा के इस इंटरव्यू पर न आने की वजह से यहाँ पे सुधीर चौधरी को काफी कुछ बातों का सामना करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी खबर। खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले।
न्यूज रिपोर्टर में पंगा, मुझे नहीं पता था कि इंडिया मीडिया से विजिट किए हैं आपके इधर के देश के पीएम केपी ओली शर्मा जी से मिलने आए हैं इंटरव्यू के लिए, और उसके बाद वो उन्होंने ट्रेवल किया माउंट एवरेस्ट के बाद गए। हाँ मुझे भी ठीक शायद हो सकता है उनका पॉइंट ऐसे तरीके से नहीं होगा कि उन्होंने जस्ट बोला होगा कि माउंट एवरेस्ट की जगह कोई और नाम, जो नाम बोला उन्होंने वो रख दिया जाए, वो तो ऐसे ही जस्ट बोला होगा। और बट ठीक है, होता है कुछ चीज़ों का टॉपिक बढ़ जाता है, बहुत ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है। अभी उनके लाइफ में भी ऐसे ही हो गया, बातें गलत बोल, जिस जगह बोलना नहीं चाहिए था वहाँ जगह में बोल गए वो, और उनका पॉइंट क्या था अब हमें पता नहीं है पर्सनली व्हाट एग्जैक्टली उनके तरीके क्या थे बोलने के लिए, जस्ट बिकॉज दे आर फ्रॉम मीडिया तो इश्यूज हो जाते हैं, हो जाता है। और लमजन जी ने जिस तरीके से, रवि जी ने जिस तरीके से उनसे इंटरव्यू लिया, उन्होंने पूछा एक अच्छे पोलाइट वे से, एक रेप्यूटेड प्रोफेशनल तरीके से बात की। और वैसे फिर सुधीर जी एज यूजल लंच में बिजी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आफ्टर टू आवर्स यू जस्ट कॉल मी अप और मैं उसके बाद आपसे बात कर लेता हूँ इंटरव्यू, तो इट्स अ लाइव वीडियो, तो लाइव में आप लाइव आ रहे हैं, तो वो ठीक है, होता है गलती कि भैया गलत लगता है साउंड एक साउंड बता रहा हूँ, एक साउंड गलत लगता है कि आपने पहले ही से पूछ लिया कि क्या आप मुझे स्क्रिप्ट भेज सकते हो, इट्स लाइक अ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मेरे को क्वेश्चन कर दो, मैं आपको वो पढ़ के तैयारी करके आपको इंटरव्यू करूँगा, क्योंकि ये हो गई। अब लोगों की नज़रों में ना अब दो चीज़ें, एक तो मेरे को भी ऐसा लग रहा है, पर मैं दोनों तरीके से बात करूँगा ना, अगर आप कमेंट में ऐसा गलत मत सोचना, मैं बस बता रहा हूँ कि इट्स अ लाइव वीडियो फ्रॉम नेपाली चैनल, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो तो वी डोंट वांट कि आपका चैनल कुछ ख़राब हो या हमारा मैसेजिंग तरीका मिसप्लेस हो जाए, आपका शो चल रहा है और उसमें उल्टा सीधा हो जाए, इमेज दो देश का इमेज ख़राब होता है, एक बॉन्डिंग मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक प्रिपरेशन, हाँ आपको पता है वो प्रिपरेशन में किस तरीके से बात बनाने वाले हैं, तो ट्रूथ एंड फॉल्ट दोनों दिख के नज़र आ जाएगा। और उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर रवि सर के इसमें शो लाइव था और उन्होंने इसलिए उनसे पूछा, आप मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए, अगर रवि सर ने पहले क्लियर कर दिया होता तो शायद वो पूछते नहीं, वो डर जाते तो मे बी रिवर्ट नहीं करते, अगर ऐसी बात रिवर्ट नहीं करते भी बोल रहा हूँ मैं आपको, अगर वो नहीं डरते तो वो डेफिनेटली जवाब दे देते। तो उन्होंने जैसे क्वेश्चन कर लिया होगा कि भैया आप मुझे क्वेश्चंस बता दीजिए सो दैट मैं प्रिपेयर कर लूँ और आपको मैं इंटरव्यू में बता दूँ, इट्स अ लाइव वीडियो डेफिनेटली। फिर उनके बाद इश्यूज हो गया, बट हाँ एक मीडिया की कोऑर्डिनेशन कैसे होता है वो मुझे नहीं पता, मीडिया एक दूसरे बोल रहे भैया क्वेश्चन डायरेक्टली मीडिया पूछता है, बिना सोचे समझे क्वेश्चंस कर देते हैं, तो हाँ वो चीज़ की टॉपिक में रवि सर ने तो सही बात बोली सुधीर जी को। उसके बाद फिर उन्होंने क्लियर भी कर दिया, बात बताया कि मैं कोई वही बात करनी है, पीएम ओली जी सर के साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, तो उसके बारे में डिस्कशन, आप ट्रैवल कर रहे थे उसके बारे में, आपका कम्युनिकेशन क्या हुआ, आपको कैसा लगा, क्या हुआ, सब चीज़ के इंटरव्यू में लिया जाएगा। सो ऑब्वियस इट्स अ मीडिया पार्ट, तो इंडिया से कोई आया तो इंटरव्यू लेते ही हैं, इंडिया से नेपाल आएगा तो डेफिनेटली इंटरव्यू लिया जाता है, पॉपुलर जो वेल नोन लोग होते हैं। तो मेरे हिसाब से तो भैया अब मैं किसी में एक कंक्लूजन में नहीं जाना चाहता कि ये सही है या गलत है, बट हाँ मेरे को एक रवि लमचाने जी सर का द वे ऑफ ही स्पोकन, मतलब एक बात करने का तरीका, दैट वाज वेरी नाइस और मुझे अच्छा लगा उनका रेपुटेड, मतलब मुझे दोनों तरह से, मैं बोलूँगा नहीं कि मुझे सुधीर चौधरी सर भी मुझे पसंद है एज पर द न्यूज़ रिपोर्टर, बट हाँ मुझे भी कुछ जगह ऐसा पता है कि भैया न्यूज़ मजाक हो चुका है। आप लोग ने मुझे रिक्वेस्ट किया, मैंने देखा, मैंने सिर्फ दो बातें की कि ऐसा भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो बस आराम से सोचो, ठीक है, आराम से रियल पूरी स्टोरी देख लो फिर मुझे गाइड कर लो, और आप अभी गाइड कर लो, जो सही है वो सही होगा, जो गलत है वो गलत होगा। मेरे को यही लग रहा है कि बस बोलते हुए इंसान ने सोचना चाहिए, जैसे अब मैं भी वीडियो कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें मेरी से मुँह से निकलती, मैं पहले अपोलोजाइज कर लेता हूँ क्योंकि हो सकता है कहीं से मुझे स्प्लिट हो जाती है बातें फालतू की चीज़ें, तो वैसे ही सुधीर सर ने भी वही चीज़ कर दी कि उधर पे जाके इस तरीके से बोलना नहीं चाहिए था, बिकॉज इट्स माउंट एवरेस्ट एक नेपाल का है, नेपाल देश का है, और वहाँ पे उधर पे आपको बोलना नहीं चाहिए कि वो क्या नाम बदलना चाहिए, वो उनकी जिम्मेदारी नेपाल की, वो कर लेंगे, बस यही है उनके मुँह से वो चीज़ आ गई। एनीवेज तो अगर बुरा लगा होगा तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, बट मैंने कुछ गलत नहीं कहा है, बस अपनापन समझ के बोल रहा था, ठीक है, रिक्वेस्ट था, और फर्स्ट टाइम मैंने रवि सर का देखा वीडियो, तो मुझे कोई ऐसा वीडियो बताओ और अच्छा जिसमें मेरे को किसी के कीन्स में, किसी के सपोर्ट में या किसी की चीज़ में बात करनी ना पड़े। फिलहाल लेते हैं विदा, लव यू सो मच, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय नेपाल, और कनेक्ट रहो मेरे साथ।